मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ 3rd of January से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें काफ़ी सारे वन शॉट वीडियोज हैं। मेरा विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग मेथड करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आई विल गिव यू योर कंप्लीट, जो भी फीस होगी आपने दी है वो पूरी की पूरी वापस कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी लोगों के लिए जो IMUCET की और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक। लास्ट ईयर इन्होंने 12th का एग्जाम दिया था, जो अभी तक कर रहे थे, और जिनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई या रैंक खराब हुई है या जो भी कुछ आपके साथ घटित हुआ और अभी तक आपको स्पॉन्सरशिप या कवरेज नहीं मिल पाया, वो सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मालूम है इसमें बहुत सारे टूरर्स आने वाले हैं, बहुत सारे स्पैमर्स आने वाले हैं जो नीचे आकर के बकवास करेंगे, गाड़ियाँ लिखेंगे, तो मेरी हाथ जो करके आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भद्दा सा कमेंट आप लिखना चाहते हो तुरंत जाओ नीचे लिखो और दफा हो जाओ। आगे इससे आगे आने वाला वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, अपनी फैमिली की कंडीशंस को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और आगे जा करके कुछ बनना चाहते हैं। केवल एक्सक्यूजेस देने के बजाय कि मेरा इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के बजाय खुद मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं। ये वीडियो लोगों के लिए, ठीक है। तो ये जिन लोगों की मैंने बात करी, जिस सेट की बात करी, इस सेट में बेसिकली तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, जिनको पता नहीं कि उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए है और जो मेहनत करना चाहते हैं और जो पैसे लगाना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि पैसे लगाना चाहते हैं अपने करियर के लिए। मतलब जो ये सोच रहे हैं कि आज अगर हम 1 रुपया लगाएंगे तो कल हमें 40 रुपये यानी 40 गुना मिलेगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है पहली वाली कैटेगरी। दूसरी वाली कैटेगरी वो है जिनमें वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि JEE की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जो कि काफ़ी ब्रिलियंट है या जो कि बहुत ज़्यादा नीडी है, जिनको एक्चुअल में कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, नीडी है, परचेज कर नहीं सकते, करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी उनकी है। तीसरी कैटेगरी उन लोगों के बीच वाले लोगों की है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी तो है लेकिन जो कि कन्फ्यूजन की अवस्था में है। 80% लोग इसी अवस्था में रहते हैं कि हम बहुत कन्फ्यूज हैं, हम करेंगे कि नहीं करेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, हो सकता है कर ले, कोई बोल रहा है, अच्छा कमेंट सेक्शन में बोल रहा है, चलो कर लेते हैं, जो इसमें फंसे रहते हैं। तो मैं तीनों कैटेगरी को एक एक करके मैंशन करूँगा। पहली वाली कैटेगरी वो है जो एक्चुअली ये सोच करके चल रहा है कि हाँ भाई वर्षियन नेवी का कॉम्पिटिशन लेवल काफ़ी कम है लेकिन फिर भी हमें प्रिपरेशन की काफ़ी ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर लेते हैं, हमें एक कोच की ज़रूरत है, हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। पहली कैटेगरी उनकी है क्योंकि यहाँ पे आपको बढ़िया फीस पे करनी पड़ेगी, एक अच्छा अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैं लास्ट में बताऊँगा भी कि इस अमाउंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। आपको बढ़िया एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए। कैसा कोर्स है? जो हम लोग 3rd of January से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ 3rd of January से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 7 दिन में सारी की सारी बेसिक चीज़ें करवाई जाएंगी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम 3rd से नहीं 10th से ज्वाइन करेंगे, तो अगर वो 3 से 10 के बीच में भी ज्वाइन करेंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बैच लेकिन 3rd को ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस बैच में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। इस बैच में हम पूरा 11th और 12th का पूरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कवर करेंगे। एप्टीट्यूड की पूरी प्रिपरेशन होगी जो कि स्पॉन्सरशिप में भी काम आएगी और जो कि IMUCET में भी काम आएगी। इंग्लिश की प्रिपरेशन होगी जो कि स्पॉन्सरशिप और IMUCET दोनों में काम आएगी। यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कराएंगे, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की हो, चाहे वो DMI सेट की हो, चाहे वो IMUCET की हो। फुल सिलेबस कवर होने वाला है, ये तो आपको समझ में आ गया है। एवरी वीकेंड पार्ट टेस्ट एंड फुल टेस्ट होंगे, मतलब उनको पार्ट ऑफ क्यूमुलेटिव बोल सकते हो। लास्ट में यानी कि IMUCET के पहले 15 फुल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, ताकि IMUCET का पेपर आपको कुछ आगे दिला रही है 15 टेस्ट पेपर विद INR डायरेक्शन लिख करके जाओगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छी रैंक मिलने वाली है। इसके अलावा क्या होगा, जो भी क्लास में आप पढ़ोगे कम से कम 6 घंटे की क्लास होगी डेली बेसिस पे। मेरा मानना यह है कि मैं केवल 2 घंटे पढ़ा करके और बच्चों को बोल दूँ कि जाओ ये होमवर्क में कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, उससे कुछ नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी होती है, मैं जब खुद भी स्टूडेंट था तो मुझे एक टीचर की ज़रूरत होती थी जो मेरे पीछे डंडा लेकर के पढ़ा रहे कि भाई ये होमवर्क किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, टेस्ट क्यों नहीं अच्छा किया। तो आप क्लास में कोशिश ये कर देंगे जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब क्लास में करवा रहे हैं। जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हो आप उनके एक्सपीरियंस भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें ये करने वाले हैं 5-6 घंटे की क्लास, उनके प्रॉपर वीडियो लेक्चर। अगर बाई चांस आपकी क्लास मिस हो जाती है और वो वीडियो लेक्चर में देख सकते हो, रिविजन के लिए वीडियो लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हो, पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट दे सकते हो। विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग यहाँ पे यूज किया जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे फोकस करना ही सिखाया जाएगा। आपको अपने इमोशंस को, अपने प्रेशर को, अपने फियर को ड्यूरिंग द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी।
पोथ एंड विजुअलाइजेशन क्या होता है ये बताया जाएगा, प्लानिंग आपको एक प्लानर मिल जाएगा, आपको डेली प्लानिंग करनी है, अपने टीचर के साथ में डिस्कस करना है, बुक रीडिंग होगी, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की अच्छी खासी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, इंडिविजुअल टॉकिंग हो सकती है, एक्सटेम्पो हो सकती है, सारी की सारी चीज़ें आपके पास उसमें भी आएंगी और सारी जो भी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। अब बात करेंगे कैटेगरी नंबर टू की, जो कि एक्चुअल में नीडी स्टूडेंट है जिनके पास पैसे नहीं है, या फिर वो स्टूडेंट जिनके पास पैसे तो है लेकिन वो ऑलरेडी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट उनको करना आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन उनकी हाथ में है, इमोशन मैनेज कर लेते हैं, फियर को आइडेंट करना आता है, प्रेशर आइडेंट करना आता है, और जिनको बस एक थोड़े से पुश की ज़रूरत है वो लोग भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर हमें इस चीज़ के लिए फॉलो करते हैं। तो होता क्या है भाई, इस कैटेगरी के लिए मैंने क्या किया है और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। हमने इसके लिए क्या किया है कि हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें काफ़ी सारे वन शॉट वीडियोज़ हैं जिनको आप देख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर हो जाते हैं, एनवीसीडी से रिलेटेड। एप्टीट्यूड की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की सेपरेट प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई 4,000, 5,000, 3,000 पे करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आराम से हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको बहुत सारे वर्क इंटरव्यूज मिल जाएंगे फ्री में सीखने के लिए, बहुत सारे इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी जो बड़े बड़े सीफेयरर्स ने ऑलरेडी दे रखी है, आप उसको देख सकते हो। आप हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं जिसमें बड़े बड़े कैप्टन्स एंड इंजीनियर्स आकर के आपको ये बताने वाले हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये तो आप वो सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, कवर अप कर सकते हो, ठीक है। कुछ फ्री टेस्ट पेपर भी मैं लाऊंगा जो आप मेरे ऐप पे जाकर के देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि वो सेपरेट वीडियो आपको कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है। ये दो कैटेगरीज डिफाइन हो गई, इसके बाद आती है बीच की कैटेगरी जिसमें बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हैं जो कि बेचारे कन्फ्यूज हैं, ऑलरेडी 12th का एग्जाम दे चुके हैं, किसी उल्टे सीधे कोर्सेज में फंस चुके हैं, जिनको बताया गया होगा कि ये 200 क्वेश्चन कर लो, ये 10 टॉपिक पढ़ लो, इससे आ जाएगा रैंक, चाहिए रैंक उनको मिलनी चाहिए थी 2,000-3,000 के आसपास, लेकिन अभी उनको जो रैंक मिल रही है वो 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, इस तरीके की रैंक है। किसी वजह से आपका स्पॉन्सरशिप क्लियर नहीं हो पाया है, पेइंग कैपेसिटी है लेकिन पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बिलेवा में है कि अरे यार अभी अब अगर 5,000 पे करेंगे नहीं हुआ तो मेरा केवल 5,000 का तो लॉस है, इनके पढ़ेंगे तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा, 10 गुना का लॉस हो जाएगा, 20 गुना का लॉस हो जाएगा, जो ये सब चीज़ें सोच करके बैठे हुए हैं। पेइंग कैपेसिटी है लेकिन कंप्लीटली कन्फ्यूज हो। देखो भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग है अगर आप इसको फॉलो करते हो, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं आपको 100% गारंटी, मतलब ये 99% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है 100%। और ऑन पेपर लिख करके दूंगा, मैं इसके लिए पेपर भी प्रिपेयर करवा रहा हूँ जिसमें मैं क्लियरली ये लिख करके दूंगा कि अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि IIT का एग्ज़ाम JEE का एग्ज़ाम नहीं है या IAS का एग्ज़ाम नहीं है, बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। अब उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको हमारी सारी क्लासेस अटेंड करनी है, पहली बात रूल नंबर वन है सारी क्लासेस अटेंड करनी है, रूल नंबर टू है सारे टेस्ट अटेंड कर रहे हैं जितने भी हम टेस्ट लेंगे, रूल नंबर थ्री है सारी की सारी एनालिसिस, एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सारी की सारी एनालिसिस शीट फिल करके, टेस्ट के बाद एक एनालिसिस शीट मिलती है वो फिल करके हमें सबमिट करनी है। अगर आप ये तीन काम कर रहे हो तो मैं आपको ये लिख करके दे सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी है। अब वो गारंटी कैसे ब्रेक होती है, वो गारंटी केवल एक जगह पर ब्रेक होती है, अगर आप एग्जाम के दिन ही बीमार पड़ गए और आप एग्जाम नहीं दे पाए, ये एग्जाम के टाइम बीमार पड़ गया और आपका एग्जाम खराब हो गया, केवल वो एक जगह है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आपका सिलेक्शन मेरा विक्ट्री अप्रोच ऑफ लर्निंग मेथड करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आई विल गिव यू योर कंप्लीट, जो भी फीस होगी आपने दी है वो पूरी की पूरी वापस कर दूंगा, या आप चाहो तो अगले सेशन में हमारे साथ फ्री में पढ़ सकते हो, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं आएगी, अभी तक किसी को भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। सो दिस इज, अब बात यह है कि बहुत लोग कन्फ्यूजन में क्यों बने रहते हैं कि अरे सर अभी इतनी फीस ले रहे हो, उनकी तो उतनी ही फीस है, वो तो दो घंटे पढ़ा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, वहाँ पे तो 400 रुपये में पेपर मिल जाता है, वहाँ पे ये हो जाता है, वहाँ पे वो हो जाता है। देखो ये तो क्विक फिक्स मेथड है यार, क्विक फिक्स मेथड कहीं कहीं काम करते हैं, मैंने बताया ना अगर उंगली में कट लग जाए, उंगली में कट लग जाएगा तो बैंडेड लगा करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये कितना बड़ा भाव हो जाए, आप उसमें बैंडेड चिपकाते रहोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। आप दो कैटेगरी लो, एक बच्चा है जिसके हाथ में केवल उंगली में कट लग गया है, आप उसको बैंडेड लगाओगे काम चलेगा, लेकिन एक बच्चा है जिसको घाव लग गया है, जो रो रहा है, जो दर्द में है, जो परेशान है, आप उसके ऊपर कितने भी बैंडेड लगाते हो कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे आपको टाके लगाने जरूरी है, जो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है।
यही सेम कैटेगरी IMU भी होगी है। बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट आपको बेच देंगे, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लेने वाले नहीं है, छोड़ देंगे बिटवीन। और बाद में सिचुएशन क्या होती है, आपने देखा होगा राहुल के केस में या कार्तिक के केस में सेम सिचुएशन होगी कि जब उनका हो नहीं पाता है तो फिर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तो एग्जाम बर्बाद हो चुका है, तुम BCom कर लो, BTech कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो वर्ष जिंदगी छोड़ के चले जाते हैं। और वो किसी को ये बताते भी नहीं कि हम किस तरीके से बेकार हो गए हैं, हम किस तरीके से बर्बाद हो गए हैं। मेरा टारगेट वो है ही नहीं, मेरा टारगेट ये नहीं कि हमारे कंबाइंड स्टडी ग्रुप में 800 बच्चे आकर के पढ़ रहे हो, 900 बच्चे पढ़ रहे हो, फिर उस आखिरी में आ जाकर के 800 के 50 ही बच्चे, वो नहीं है। मुझे केवल वो 50 बच्चे चाहिए जो अपना करियर बदलना चाहते हैं। आप ये सोच करके देखो कि आपका जो एक साल जा रहा है ना, आप उसमें क्यों ये काउंट करते हो कि अच्छा एक साल खराब हुआ तो कोई बात नहीं, बस 5,000 रुपये तो गए मेरे या 3,000 रुपये तो गए मेरे, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस एक साल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर ये एक साल आपका खराब होता है तो आप ये मान के चलो कि एज अ थर्ड मेट भी आपका एक साल खराब होता है, और थर्ड मेट जब आप थर्ड मेट बनते हो, चाहे जूनियर थर्ड मेट ही बनो, तो भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपये तो मिलते ही है ना। अगर एक साल में आप 8 महीने भी सेल करते हो तो भी अगर आप 2 लाख के हिसाब से काउंट करोगे तो 15-16 लाख तो आपको आराम से मिलेगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे रहोगे, अगर सपोज करो कि आप अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप मुझसे या मेरी लीग से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि आप पढ़ते पढ़ते बीच में डिमोटिवेट होते हो, फ्रस्ट्रेशन में आते हो, आप हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। आप प्रोग्रेस्टिनेशन में फंस रहे हो तो भी हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुआ है जिनमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं बैच के बारे में। अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो तो फटाफट हमारे साथ में कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि बैच स्टार्ट होने वाला है, रेगुलर पढ़ाई होने वाली है, जान लगा करके पढ़ाई होगी। अगर आप रेडी हो देन यू आर वेलकम। ऑल द बेस्ट गाइस।